हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम सेट 14 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एज पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक कंपेन ईच ऑफ 745 स्टूडेंट्स मेड 25 पेपर बैग्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड। यानी इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, यानी हमें अवॉइड प्लास्टिक जो कंपेनियन है इसमें हर एक जो स्टूडेंट्स है उसने क्या किया, 25 पेपर बैग्स बनाए। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 745 स्टूडेंट थे और हर एक ने 25 पेपर बैग्स बनाए। तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग मेड, यानी टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग उन्होंने कितने बनाए वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते एग्जांपल, 745 स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट ने कितने पेपर बैग्स बनाए हैं, 25 पेपर बैग्स बनाए हैं। तो वो 745 स्टूडेंट्स ने कितने टोटल पेपर बैग्स बनाए वो हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए क्या करना होगा, 745 को मल्टीप्लाई करना होगा 25 नंबर से। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20, 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 5 7 35, 35 प्लस 2 37 प्लस 0 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कट कर देंगे, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 4 8 प्लस 1 9 और 2 7 14 एडिशन करेंगे, 5 प्लस 0 5, 2 7 प्लस 9 16 कैरी 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 और 1, यानी 18,625 टोटल पेपर बैग्स बनाए। देयरफोर टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग मेड बाय द स्टूडेंट इक्वल टू 18,625। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन अ प्लांटेशन सैपलिंग ऑफ 215 मेडिसिनल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन ईच ऑफ द 132 रोज ऑफ द ट्री, हाउ मेनी सैपलिंग्स आर देयर इन द प्लांटेशन ऑल टुगेदर। यानी इस एग्जांपल में दिया गया है कि हर एक रो में कितने सैपलिंग लगाए, मेडिसिनल ट्रीज लगाए 215, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे 132। तो टोटल सैपलिंग कितने लगाए, टोटल सैपलिंग यानी प्लांटेशन कितने ट्रीज का हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे सैपलिंग दिए हुए हैं, एक रो में कितने सैपलिंग लगाए हैं 215 और नंबर ऑफ रोज कितने दिए हैं 132। तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 215 मल्टीप्लाई बाय 132 करना है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 2 4 प्लस 0 लगाया, 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 1 3, 3 प्लस 1 4 और 3 2 6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ 2 0 लगा दिए, 1 5 5, 1 1 1, 1 2 2 एडिशन करेंगे, 0, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 3 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और 2 जैसा है वैसे का वैसा, यानी 28,380। Therefore, total number of sapling equal to 28,380. Question number 4 देखते हैं, one computer cost 27,540 rupees, how much will 18 such computer cost? यानी एक कंप्यूटर की कॉस्ट दी हुई है 27,540 रुपीज, तो हमें 18 कंप्यूटर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना होगा, हमें 27,540 को मल्टीप्लाई करना होगा 18 से, क्योंकि 18 कंप्यूटर की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। इसलिए फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे राइट डाउन करना है अच्छे से, वन कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है 27,540, उसके बाद 18 कंप्यूटर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से, 8 0 0, 8 4 32 कैरी 3, 8 5 40, 40 प्लस 3, 43, 3 कैरी 4, 8 7 56 प्लस 4 60, 0 कैरी 6, 8 2 16, 16 प्लस 6 22 प्लस यहाँ पे लगाया 0, 1 से मल्टीप्लाई करने से लगाया, पहले लगाया 0, 1 0 0, 1 4 4, 1 5 5, 1 7 7 और 1 2 2। अभी करेंगे एडिशन, एडिशन करेंगे, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 4 7, 0 प्लस 5 5,
2 + 7 = 9 और 2 + 2 = 4। यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लैख, 4,95,720। राइट डाउन करेंगे आंसर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 18 कंप्यूटर इक्वल टू 4,95,720 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंडर द इंस्पायर अवार्ड स्कीम 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट वेयर ग्रांटेड फॉर द परचेस ऑफ द साइंस प्रोजेक्ट मटेरियल। इफ 154 स्टूडेंट्स इन अ सर्टन तालुका वेयर कवर्ड अंडर द स्कीम, फाइंड द टोटल अमाउंट ग्रांटेड टू दैट तालुका। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एक जो स्कीम थी इंस्पायर अवार्ड स्कीम, इस स्कीम में हर एक स्टूडेंट को यानी एक स्टूडेंट को 5,000 रुपीज दिए गए। क्या परचेस करने के लिए? साइंस का प्रोजेक्ट मटेरियल परचेस करने के लिए एक स्टूडेंट को 5,000 रुपीज दिए गए। वैसे 154 स्टूडेंट जो थे एक तालुके में से सर्टन तालुका वेयर कवर अंडर द स्कीम, यानी इस स्कीम के अंदर 154 स्टूडेंट को 5,000 दिए गए, लेकिन कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए? 154 स्टूडेंट। तो 154 स्टूडेंट्स को कितने रुपीज मिले ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट ग्रांटेड टू दैट तालुका, यानी उस तालुका को कितने अमाउंट ग्रांटेड हुए या कितने रुपीज उस तालुकों को मिले वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे वन स्टूडेंट को कितने रुपीज मिले थे? 5,000 रुपीज। यानी 154 स्टूडेंट्स उस तालुके में से पार्टिसिपेट हुए उस स्कीम में, तो 154 स्टूडेंट्स को कितने रुपीज मिले ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए क्या करना होगा हमें, 5,000 यानी एक स्टूडेंट को 5,000 मिले थे तो 154 स्टूडेंट्स को कितने मिले ये हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो करेंगे 0, 4 0 = 0, 4 0 = 0, 4 0 = 0, 4 5 = 20 प्लस यहाँ पे लगाया 0, 5 0 = 0, 5 0 = 0, 5 0 = 0 और 5 5 = 25 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 0, 1 0 = 0, 1 0 = 0, 1 0 = 0 और 1 5 = 5। अभी करेंगे एडिशन। 0 + 0 = 0, 0 = 0, 2 + 5 = 7 और 2 + 5 = 7। यानी 1, 10, 100, 1,000, 10,000 लाख, यानी 7,70,000 रुपीज उस तालुका को मिले। इस प्रकार से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक सिंपल टेक्निक भी मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट। देखो यदि इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है 5,000 × 154 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 0 दिए गए हैं। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करने से बेहतर हम क्या करेंगे, ये जो तीनों जीरो है इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 1, 2 और 3। पहले क्या किए, ये 3 0 जैसे थे वैसे के वैसे राइट डाउन कर लिए। उसके बाद अभी क्या बचा, 5 और 154। तो 154 × 5 इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 5 4 = 20 0 = 2 5 5 = 25 + 2 = 27 = 2 5 1 = 5 5 + 2 = 7। यानी 770 इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यानी 7,70,000 इस प्रकार से भी आसानी से हमें आंसर मिल जाता है। यानी उस तालिकों को कितने रुपीज मिले, 7,70,000। इसलिए राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 7,70,000 रुपीज वॉज ग्रांटेड फॉर दैट तालुका। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्टन टू व्हीलर कॉस्ट 53,670 रुपीज, हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर कॉस्ट। एक टू व्हीलर है, इसकी कॉस्ट दी हुई है 53,670 रुपीज और हमें 35 टू व्हीलर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे राइट डाउन किया मैंने कॉस्ट ऑफ वन टू व्हीलर 53,670 रुपीज। तो हमें 35 टू व्हीलर की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लीकेशन 53,670 × 35, क्योंकि हमें 35 टू व्हीलर की कॉस्ट निकालनी है। इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 5 0 = 0, 5 7 = 35 = 3, 5 6 = 30, 30 + 3 = 33 = 3,
फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन कैरी वन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स, प्लस यहाँ पे लगाया जीरो, थ्री जीरो जा जीरो, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन कैरी टू, थ्री सिक्स जा एटीन, एटीन प्लस टू ट्वेंटी जीरो कैरी टू, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन कैरी वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन। इस प्रकार से अब ये करेंगे एडिशन, जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइव, थ्री प्लस वन फोर, एट प्लस जीरो एट, सिक्स प्लस वन सेवन, टू प्लस सिक्स एट और वन, यानी वन्स टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, यानी एटीन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज, इसलिए राइट डाउन करेंगे। देयरफोर द कॉस्ट ऑफ थर्टी फाइव टू व्हीलर इक्वल टू एटीन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेवन नंबर का। वन आर हैज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकंड्स, हाउ मेनी सेकंड्स डू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव आवर्स हैव, यानी एक घंटे में कितने सेकंड है, थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेकंड है, तो हमें थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव आवर्स में कितने सेकंड्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ था वन आर इक्वल टू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकंड्स, तो हमें थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव आवर के कितने सेकंड है वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए क्या करना होगा, थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव, यानी थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव आवर में कितने सेकंड्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी फाइव किया, फाइव जीरो जा जीरो, फाइव जीरो जा जीरो, फाइव सिक्स जा थर्टी, जीरो कैरी थ्री, फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन, प्लस यहाँ पे लगाया जीरो, सिक्स जीरो जा जीरो, सिक्स जीरो जा जीरो, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स कैरी थ्री, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन प्लस थ्री एटीन, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन, प्लस यहाँ पे लगाए दो जीरो, थ्री जीरो जा जीरो, थ्री जीरो जा जीरो, थ्री सिक्स जा एटीन कैरी वन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस वन टेन। अभी करेंगे एडिशन, जीरो जीरो, यहाँ पे भी जीरो, एट प्लस सिक्स फोर्टीन कैरी वन, एट प्लस वन नाइन, टेन इलेवन, वन कैरी वन, टू प्लस वन थ्री और वन, यानी आंसर क्या मिला हमें, वन्स टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, यानी थर्टीन लैख फोर्टीन थाउजेंड सेकंड्स, इसलिए राइट डाउन करेंगे। देयर फोर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव आर इक्वल टू थर्टीन लैख फोर्टीन थाउजेंड सेकंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एट नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेम अ मल्टीप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम विद द नंबर्स 5473 एंड 627 एंड सॉल्व इट, यानी यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे हमें खुद एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, लेकिन नंबर यही यूज करने हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एट नंबर का एग्जाम्पल इस प्रकार से हमने बनाया है, देखो द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 5473 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 627 टेबल्स, यानी एक टेबल की प्राइस कितनी है 5473 रुपीज है, तो हमें उसी प्रकार से 627 टेबल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन 5473 मल्टीप्लाई बाय 627 मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन कैरी टू, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन प्लस टू फिफ्टी वन कैरी फाइव, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस फाइव थर्टी थ्री, थ्री कैरी थ्री, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस थ्री थर्टी एट, प्लस यहाँ पे लगाया जीरो, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टीन कैरी वन, टू फोर जा एट, एट प्लस वन नाइन, टू फाइव जा टेन, प्लस यहाँ पे लगाए दो जीरो, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स थ्री जा एटीन कैरी वन, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, फोर्टी टू प्लस वन फोर्टी थ्री कैरी फोर, सिक्स सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट कैरी टू, सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी प्लस टू थर्टी टू। अभी करेंगे एडिशन, वन वन प्लस सिक्स सेवन, एट प्लस फोर एट, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, फाइव कैरी वन, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस एट एटीन, एटीन प्लस थ्री एटीन, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन, वन कैरी टू, एट प्लस टू टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन कैरी वन, टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर और थ्री,
यानी इसका आंसर मिला हमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, यानी 34 लाख 31,571। देयर फोर राइट डाउन करेंगे, देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 627 टेबल्स इक्वल टू 34 लाख 31,571 रुपीज। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है 9 नंबर का एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसलिए पहले हमें बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर और बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, 9 नंबर का एग्जाम्पल है, बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट डाउन करेंगे, बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9,999 एंड बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999। इस प्रकार से अभी ये दोनों नंबर का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9,999 मल्टीप्लाई बाय 999। इस प्रकार से अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 9 81 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 89 कैरी 8, 9 9 81 81 प्लस 8 89 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 89 प्लस यहाँ पे लगाया 0, 9 9 81 कैरी 8, 9 9 81 81 प्लस 8 89 कैरी 8, 9 9 88 81 प्लस 1 89 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 89 प्लस यहाँ पे लगाए 2 0। उसी प्रकार से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 89 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 89 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 89। अभी करेंगे एडिशन, 1 9 प्लस 1 10 कैरी 1 9 9 18, 19 20, 0 कैरी 2, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 प्लस 2 29 कैरी 2, 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 20 प्लस 8 28 कैरी 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19 कैरी 1, 8 प्लस 1 9। यानी इसका आंसर क्या मिला हमें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, यानी 99,000 89,001। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 10 नंबर का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहले देखो एग्जाम्पल दिया है, वन ट्रैवलर एनकर द कॉस्ट ऑफ 7,650 रुपीज फॉर अ सर्टन जर्नी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फॉर 26 सच ट्रैवलर। यानी एक ट्रैवलर यदि जाता है, जर्नी करता है, तो उसको 7,650 रुपीज लगते है, तो 26 ट्रैवलर को कितने रुपीज लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो सॉल्व करते हैं, द कॉस्ट ऑफ वन ट्रैवलर 7,650 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 26 ट्रैवलर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 26 ट्रैवलर को कितने लगेंगे, इसलिए क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 26, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 0 0, 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 6 36, 36 प्लस 3 39 कैरी 3, 6 7 42 प्लस 3 45 प्लस यहाँ पे लगाया 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 6 12, 12 प्लस 1 13, 3 कैरी 1, 2 7 14, 14 प्लस 1 15। अभी करेंगे एडिशन, 0 0 9, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 5 9 और 1, यानी 1 10 100 10,000 लाख, यानी 1,98,900 रुपीज। राइट डाउन करेंगे, देयर फोर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1,98,900 रुपीज, यानी 26 ट्रैवलर को इतने रुपीज लगेंगे। इस प्रकार से आज हमने प्रॉब्लम सेट 14 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।